जून से जारी जल प्रहार का कहर जुलाई में भी जारी है। एक बार फिर गुजरात ने मॉनसून ने अटैक किया है। गुजरात के 176 तहसीलों में फिर 24 घंटे से तेज बारिश जारी है और इसके चलते राजकोट, गिर सोमनाथ, वापी, सूरत समेत कई शहरों में सैलाब उमड़ आया है। राजकोट में 30 से ज्यादा गाड़ियों की जल समाधि बन गई है, तो वहीं सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठने लगी हैं। 21 जुलाई तक साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजकोट से हैरान करने वाली तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। यहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। पानी के प्रचंड प्रहार में गाड़ियां डूब गई हैं, सड़कों पर दरिया बहता नजर आता है। तो वहीं राजकोट के धोराजी की तस्वीर जहाँ पर जाम कडरौना उपलेटा सबसे ज्यादा बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़कों पर आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो आधी डूब चुकी हैं। आइए राजकोट की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटे से तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजकोट के धोराजी इलाके में 12 इंच तक बारिश हुई और इसके चलते अब सड़कों पर दरिया बनता आप देख सकते हैं। गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं, इनकी जल समाधि हो गई है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहां एक साथ 30 से 35 कारें सैलाब में डूबी हुई नजर आ रही है। एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है, एक स्कूटी पर सवार, आधी स्कूटी डूब चुकी है पानी में। राजकोट का धोराजी इलाका है ये, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रही हैं। 12 इंच बारिश के बाद लोगों के सामने कोई विकल्प बचा नहीं कि अपनी गाड़ियों को वो यहाँ से निकाल सके, क्योंकि जहाँ गाड़ी है वहाँ पर आधी गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, आगे बढ़ना मुश्किल है। सड़कों पर बारिश के प्रचंड वेग के चलते इसके बाद जो आप हालात देख रहे हैं ये बेकाबू हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो, नदी बह रही हो, लेकिन ये सड़क पर पानी बह रहा है। बाड़क से। राजकोट की तस्वीरें आप देखें, राजकोट में अभी भी बारिश जारी है और कई इलाके पानी में डूब गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। लोगों तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है, अस्थायी टेंट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो निचले इलाके हैं, जो नीचे घर बने हुए हैं, वो पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं, आधे आधे पानी में डूब गए। और गाड़ियां देखिए किस तरीके से बहती हुई जा रही है। बारिश का ब्रेक फेल हुआ तो शहर में सैलाब की आफत आ गई। अब ये तस्वीरें आप देखें, ये गुजरात के ही सोमनाथ की तस्वीरें हैं और आप देखिए तस्वीरें ये हैरान करने वाली हैं, क्योंकि सोसाइटीज बनी हुई हैं, सोसाइटी के जो ग्राउंड फ्लोर हैं वहाँ पर पानी आ चुका है, आधे आधे दरवाजे पानी में डूब चुके हैं। इसी बालकनी से बनाया गया ये पूरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस घर के बालकनी से ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वो आधा पानी में डूब गया है। सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरने के बजाय डिब्बों की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं और कई गाड़ियां बहाव में अपने एक्चुअल पार्किंग पोजीशन से बहुत दूर जा पहुंची, क्योंकि घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। यहाँ लगातार बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
तस्वीरें गुजरात के वापी की भी आपके सामने हैं। यहाँ भी तेज बारिश के चलते हालात खराब हो रहे हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है और इसी दरिया के भीतर आप ऑटो चलते हुए देख रहे हैं, गाड़ियों को चलते हुए देख रहे हैं। नहीं जाता है। बारिश का पानी भरने से सड़कों पर आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। अंडरपास में पानी भर गया है जिसके चलते ट्रैफिक सेवा बाधित हुई है। अब आप देखें, पानी की आवाज आपको इस कदर सुनाई देगी मानो कि कोई नदी की आवाज हो, बल्कि हकीकत यह है ये शहर में चलने वाली सड़कों की आवाज है जिस पर पानी कल कल बह रहा है। जी हाँ, गंदा पानी। महाराष्ट्र की रायगढ़ की भी ये तस्वीर अब आपके सामने। केवल गुजरात के ही हाल बुरे नहीं है। यहाँ तेज बारिश के बाद पुलिस स्टेशन डूबता हुआ नजर आया है और पूरा परिसर सैलाब की चपेट में है। भारी बारिश को देखते हुए रायगढ़ के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ की तस्वीर आप देखें, ऐसा लगता है कि ये पानी के भीतर कोई रेस्टोरेंट तैयार किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पुलिस ऑफिस की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी में कुर्सियां डूबी हुई हैं, लोग काम करें तो कैसे करें। बाढ़ का विकराल रूप महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का ये रायगढ़ इलाका जहां पर अंदर तक पानी घुसाया, पानी घुसा तो घुसा लेकिन अपने लेवल को पार करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस दफ्तर में बैठकर कोई काम नहीं कर सकता और ये पानी यहां से कब निकलेगा, कैसे इसकी निकासी की जाएगी। अगर मोटर लगा भी लिया जाए तो पानी फेंकेंगे कहां, क्योंकि सड़क पर भी तो पानी ही पानी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।